जी तो मैं पोस्ट ऑफिस से अभी बाहर आया हूँ। मैंने वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और 2 मिनट लगते हैं यार, एक लाल बटन है, छोटा सा 2 मिनट क्या जाएगा आपका यार, सब्सक्राइब कर दे वीडियो। तो ये देखें, सारे पत्ते गिर गए हैं, ऑटम शुरू हो चुका है। मैं पार्क पे से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये व्यू दिखाएं, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने फोटोकॉपी करवा लिए, मैं इस टाइम पोस्ट ऑफिस में खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं क्यू कितनी लंबी है, तो अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ, तो चल चल जब के जमा कराते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने फिल कर लिए, मैं इनको सबमिट करने लगा पोस्ट ऑफिस में। फाइनली मैंने एनवेलप को रेडी कर लिया, ठीक है, इस एड्रेस पे मैंने भेजना है और पोस्ट ऑफिस को इसी रिकॉर्डेड डिलीवरी है, ठीक है। ये इनकी इनवेलप्स की कैटेगरी है, ठीक है। अगर बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग ये यूज़ करें, छोटे हैं तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए ये वाला यूज़ किया, ये 20 पेंस का है, ठीक है। तो बेस्ट है ये, इनका सिस्टम है सारा, ठीक है। ये देखिए पोस्ट ऑफिस। जी तो मैं पोस्ट ऑफिस से अभी बाहर आया हूँ। मैंने अपनी ना इनको डिलीवरी कर दी है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, जो 2 से 3 दिन, 1 से 2 दिन में जाती है, वो होती है 2.25 पेंस की, और जो 1 डे डिलीवरी होती है वो होती है 6 पाउंड। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी मैं पोस्ट ऑफिस गया हुआ था, अपना NI नंबर अप्लाई किया है। NI नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ NI नंबर क्यों और क्या होता है, ठीक है। बेसिकली NI नंबर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है। इसके दो नाम होते हैं, एक UK में इसको दो नामों से कहा जाता है, एक NI नंबर होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और दूसरा होता है नीनो, NINO, आई थिंक वो भी इसी का नाम है, ठीक है। मैं आपको बताता चलो, ये नेशनल इंश्योरेंस किस लिए और किस काम के लिए लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज होता है, और एक और डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे, HMRC, ठीक है। ये होता है HMRC, इनका टैक्स सिस्टम है, ठीक है। ये उससे कनेक्ट होता है, जिस भी अकाउंट में आपका बिजनेस अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, किसी भी तरह का अकाउंट होता है, वहां से इनका ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है। टैक्स पे किसी और टाइम दोबारा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ अप्लाई कैसे करते हैं। सिंपली आप लोगों ने गूगल पे लिखना है हाउ टू अप्लाई NI नंबर, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली उस लिंक पे ले जाएगा, government.co.uk पे ले जाएगा, ठीक है, जो इनकी बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर सब नॉलेज पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे आपने सारी डिटेल भेजनी है अपनी, आपको वो एक फॉर्म ईमेल करेंगे, फॉर्म फॉर्म की शक्ल में एक लिंक होगा, ठीक है, रेफरेंस नंबर। वो रेफरेंस नंबर जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक ऑटोमेटिकली उस कोड को उठा के उस बॉक्स में ले जाएगा, वो फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप लोगों ने अपने पास रख लेना है, उसको फिल करना है, ब्लैक पेन से फिल करना है और बोल्ड वर्ड से, कैपिटल वर्ड से सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आप लोगों ने 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो कि मुझे नहीं था पता, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो UK में रहते हैं और जिनको मुश्किल हो रही है, ठीक है। NI के साथ सबसे पहले आप लोगों ने अपना फर्स्ट रिसेंट वीजा फोटोकॉपी लगानी है, ब्लैक एंड व्हाइट। बिजनेस वीजा भी हो सकता है, स्पाउस वीजा भी हो सकता है, फियांसे वीजा भी हो सकता है, स्टूडेंट वीजा भी हो सकता है, सबके लिए एक ही चीज है, आप लोगों ने उसकी फोटो कॉपी लगानी है। पासपोर्ट का पहला पेज मीन्स जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है, उसके दोनों पेज लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा पेज जो होता है, इसके ऊपर आप लोगों ने ओमन साइन किए होते हैं, वो पेज लगाना है, और अपना BRP, बायो रेजिडेंस परमिट की फोटो कॉपी लगानी है। 1, 2, 3, 4, ये 4 चीजें होगी, एक फॉर्म हो गया, ये 5 चीजें होगी, ठीक है। उसी फॉर्म के एंड पे ग्लासगो इनका है सिटी, वहां पे इनका ऑफिस है जहां से NI नंबर इशू होता है, वहां पे आप लोगों ने पोस्ट कर देना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जाके, पोस्ट ऑफिस में 2 तरह की डिलीवरीज होती है, एक रिकॉर्डेड डिलीवरी होती है और एक दूसरी होती है आई थिंक नॉर्मल होती है, ठीक है। जो रिकॉर्डेड डिलीवरी होती है वो बिल्कुल रिकॉर्ड होती है, वो आपकी इधर उधर नहीं हो सकती, मतलब रिकॉर्ड होती है, मतलब मिनटों से रिकॉर्ड होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसकी फीस होती है 2.25 पेंस, एंड जो अदर होती है उसकी होती है 6 पाउंड समथिंग, ठीक है। जो 2.25 पेंस होती है वो 1 से 2 दिन में आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है, और जो दूसरी 6 पाउंड वाली होती है वो आपके ऑन द सेम डे पहुंच जाती है। तो आप लोग सिंपल ही करवा दें, कोई इतनी रश होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप करें पहुंच जाएगी, ठीक है। और मैंने सुना है कि आजकल NI नंबर इशू हो रहा है कोई 12 to 16 वीक्स में हो रहा है, 3-4 महीने में इशू हो रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस नंबर। और जो इंश्योरेंस नंबर होता है ना, और जब आपके इंश्योरेंस में आने में टाइम होता है, अब अगर आप जॉब करना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपसे प्रूफ मांगेंगे आइडेंटिटी कि आप मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दें, ठीक है। आपका पासपोर्ट नहीं मांगेंगे, वो किसी भी तरह मांग सकते हैं। फॉर जॉब आपका BRP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। और जो आपका वो जो होगा ना, वो जो रेफरेंस नंबर कोड जो मैं बताया था आपको, वो आपने उस एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी को प्रोवाइड करना है कि मैंने ये अप्लाई कर दिया है, ये मेरा प्रूफ है, इसके बिना पर वो आपको जॉब के लिए फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसका लिंक्स आएंगे वो आपने फिल करने, इस तरह करके होता है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ, मुझे बहुत इसमें मुश्किल हुई, इतनी भी नहीं हुई लेकिन पूछ पूछ के किया मैंने, और अब इंशाल्लाह अप्लाई कर दिया, देखें जब आएगा वही आपसे शेयर करेंगे।
और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो विद इन द यूके रहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता एनआई कैसे अप्लाई करते हैं, सो ये सिंपली वीडियो उनके लिए। सो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह बहुत सारी वीडियोस इन द अपकमिंग टाइम में आने वाली हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया करूँगा, और वीडियो को शेयर किया करें। तो मैं अपने घर के पास वॉक पे आया हुआ था, काफ़ी लंबी वॉक में पीछे से गया हुआ था, तो वॉक करता हुआ मैंने कहा वॉक कर लूँ, वॉक बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो खैर आज की वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक सेकंड लगना आपका सब्सक्राइब करने में। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।